खुश भाग यहाँ से, सारे फल खराब कर दिए। अरे अरे क्या हो गया, भाग क्यों रहे हो? अरे भाग नहीं रहा, उसको भगा रहा हूँ, सारे फल खराब कर रहा है। शहर में ये पॉक्यूपाइन कहाँ से आ गया? भगाओ इसको, चोरी करता है। आओ, भगाओ इसे। I am the magician Porcupine, and everything is mine. Please don't mind. I'm very kind. जरा सा फ्रूट क्या खा लिया? तुम लोग मुझे भगाने लगे। अब तुम ये खाओ। ये कांटे छोड़ता है। कोई कांटा तो निकालो, बड़ा दर्द हो रहा है। हमें ये क्या हो रहा है? रुक जाओ। Catch me if you can. Zibaiska, boom, jig, jig, boom. ये पॉक्यूपाइन मैजिशियन कुछ ज्यादा ही तेज है, हमारे पहुंचने से पहले ही निकल जाता है। दादाजी को भी अभी जाना था। कुछ सोचो रुद्रा, हमें क्या करना चाहिए? ये लो रुद्रा, जूस पी लो। क्या करूं? खुजली हो रही है पर मैं खुजला भी नहीं सकता। मेरी बॉडी एक कांटे की तरह मुझे ही काट रही है। वरुण, जरा मेरी पीठ पर खुजली कर दो ना। क्या, मैं खुजली कर दूं? ना बाबा ना, मुझे कांटे थोड़ी चुभाने हैं। ये लो रंगीला, इस डंडी से जी भर कर खुजला लो। इस पॉक्यूपाइन मैजिशियन को पकड़ने के लिए इनके राज जानना जरूरी है। चलो लाइब्रेरी। सन सिटी निवासी, आज से शहर का नाम पॉक्यूपाइन सिटी होगा। अब कोई भी पॉक्यूपाइन यहाँ आकर रह सकता है। कहाँ होगी वो पॉक्यूपाइन की बुक? हेलो लाजर सर। हेलो बच्चा रुद्रा, पॉक्यूपाइन से रिलेटेड जो किताब तुम ढूंढ रहे हो वो सेकेंड लास्ट शेल्फ के तीसरे खाने में है। हैरान मत हो। मेरी आंखें भले ही कमजोर हों पर कान आज भी दूर तक साफ साफ सुन सकते हैं। मैं किसी भी खबर से बेखबर नहीं रहता। थैंक यू अलाजार सर। रंगीला, आप और चिंगली भी अब खाना खा लीजिए। रुद्रा, बी अलर्ट, कोई पैलेस में आ रहा है। इस समय हमारा यहाँ से निकल जाना ही ठीक होगा। Thank you.
जिबा इसका। बच गया। इतने पिजन्स की आवाज आ रही है पर दिख एक भी नहीं रहा। ये लो टॉर्च, अब देखते हैं कहाँ छिपे बैठे हैं पिजन्स। दादाजी, दादाजी, पकड़ो उन्हें। लगता है यही तुम्हारा ग्रैंडसन है। तुमने ही हमारे ओना पौना की बेइज्जती की है। नहीं किंग सर, आपके लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मेरे दोस्तों सिर्फ उनसे पूछ रहे थे कि वो कहाँ से आए हैं। उन्होंने ही गुस्से में मेरे दोस्तों की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। हुआ कुछ यूं था। मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखती है ओना पौना। तुम दोनों की पहले भी कई बार कंप्लेंट्स आई हैं, पर अब की बार तुमने ज्यादा कर दिया। रुद्रा और उसके दोस्तों से माफी मांगो और ये किस्सा यहीं खत्म करो। रुद्रा के दादाजी को आजाद कर दो। आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है और आप इस बाहर वाले की बातों पर यकीन कर रहे हैं। बात अपने पराई की नहीं, सही गलत की है। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ये मामला खुद सुलझाओ। रुद्रा, तुम्हें मंजूर है? मंजूर है किंग सर। बैटल शुरू की जाए। तुम जैसे लड़के को हम दोनों मसल के रख देंगे। मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पर कभी शक मत करना। जबाइस का बूम चिक चिक बूम।